अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ योगी वजाहत और सेकंड ओपिनियन के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। कहते हैं कि ज़माने कदीम से इंसान इंसानों के साथ इसलिए लड़ रहा है कि उसको अपने लिए कुछ चाहिए, कभी इख्तियार इख्तदार या कभी कुछ खाने पीने की चीज़ें। ग़िज़ा एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए जंगें मुद्दतों चलती रहीं और चलती रहती हैं और शायद चलती रहेंगी, इसलिए कि इंसान को पेट भरना है और ग़िज़ा उसके पेट भरने के लिए लाजिम है। अब यह अलग बात है कि अंदाज़ बदलते जा रहे हैं और हमारी ग़िज़ाएँ मुख्तलिफ होती जा रही हैं। कुछ लोग इसको हासिल करने के लिए ना जाने क्या क्या करते हैं, कुछ लोग इसके लिए तरसते रहते हैं और जो तरसते हैं वो तरसते तरसते सिर्फ ग़िज़ा ना मिलने की वजह से कभी कभी जहर भी खा लेते हैं, भूख बर्दाश्त नहीं होती। आज मौजू बड़ा अजीब व गरीब है, ना ये है मौजू कि ग़िज़ा ना मिले तो क्या करते हैं और ना ही ये है कि ग़िज़ा के लिए क्या कुछ करना चाहिए। मौजू आज ये है कि ग़िज़ा हमारे साथ क्या करती है। आज हमारा मौजू है फूड पॉइजनिंग, यानी ऐसी ग़िज़ाएँ जो कातिल हो जाती हैं, जो हलाक कर देती हैं, जो जहर पैदा कर देती हैं। योग में ऐसे खानों को तमासिक कहा जाता है, बुरे खाने, एक सत्विक साफ, तमासिक बुरे और फिर राजसिक राजाओं के खाने। ये तीन मुख्तलिफ तरह के खाने हैं, आज यही हमारा मौजू है। लेकिन मौजू को और ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फूड पॉइजनिंग से, यानी कि वो ग़िज़ाएँ या ग़िज़ा के साथ ग़िज़ा से वाबस्ता ऐसी बीमारी जिससे पेट ख़राब हो जाए, उसकी वजह क्या है, वो क्यों होता है, फूड पॉइजनिंग क्यों होती है, ग़िज़ा कैसे खाने को ख़राब कर देती है या पेट को ख़राब कर देती है, मिजाज को ख़राब कर देती है, तबीयत को ख़राब कर देती है, ये सारे मौजूआत, इसके जुड़े हुए तमाम मौजू आज हम डिस्कस करेंगे अपने डॉक्टर से, अपने एक्सपर्ट से। तो चलिए चलते हैं डॉक्टर साहब के पास, उनसे पूछते हैं कि जनाब ये मसला है क्या। ख़वातीन हज़रात, अब हम अपने टॉपिक के हिसाब से अपने डॉक्टर साहब के पास आ चुके हैं। डॉक्टर शहज़ाद हैदर हमदानी साहब हमारे साथ हैं, आप फैमिली फिजिशियन हैं। लेकिन जो मौजू आज है हमारा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ग़िज़ा खाने से इंसान में ताकत आती है, लेकिन कभी कभी ग़िज़ा जहर का बायस बन जाती है, नहीं फूड पॉइजनिंग हो जाती है। जहर भी ग़िज़ा से आता है, समझ में आ जाती है बहुत आसानी से, लेकिन अगर डॉक्टर समझाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। तो आइए इनसे समझते हैं डॉक्टर साहब हमें क्या समझा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। आम फहम तो यही है कि शायद जहर खोरी हो जाती है, कुछ फूड जहर कैसे बन सकती है, तो आप हमें बताइए कि मेडिकल साइंस फूड पॉइजनिंग को एक आम आदमी के लिए कैसे डिफाइन करेगी। फूड पॉइजनिंग या आम फहम अल्फाज में जिसे हम जहर खुरानी कहते हैं, वो अमूमन ऐसी ग़िज़ा खाने से होती है। उसको हम मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। एक होती है इन्फेक्शियस, यानी कि जो जरासीम से पैदा होती है, और एक होती है टॉक्सिक, यानी कि जो जहर बन जाती हैं चीज़ें। इन्फेक्शियस जो है फूड पॉइजनिंग या जहर खुरानी, वो होती है किसी वायरस की वजह से, किसी बैक्टीरिया की वजह से, किसी पैरासाइट की वजह से। और जो दूसरी किस्म है वो टॉक्सिक कहलाती है। टॉक्सिक में जैसे जो मशरूम्स हैं, मुख्तलिफ पौधे जो खाने में भी इस्तेमाल होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह हैं, और इस तरह की जो टॉक्सिक मटेरियल है, यानी कि जो जहर आलूदा, यानी कि इंसानी जिस्म के जो लिए जो मुज़र हैं, वो चीज़ें अगर किसी तरीके से मैदे में पहुंच जाएं, तो वो जहर खुरानी का बायस बनती हैं। तो पहले तो जो इन्फेक्शियस है, यानी कि बैक्टीरिया वायरसेस या पैरासाइट्स की वजह से, वो अमूमन होते हैं कि जो सही तरीके से पका हुआ खाना ना हो, जो फूड हैंडलर्स हैं, यानी कि जो खाना पकाने में, यानी कि जो बावर्ची वगैरह हैं या जो उसको हैंडल करते हैं, अगर वो प्रॉपरली ट्रेंड नहीं हैं, अगर वो उनकी हाइजीन अच्छी नहीं है, हाथ धुले हुए नहीं हैं, तो वो भी ये वायरसेस और ये बैक्टीरिया जो हैं ये ट्रांसमिट कर सकते हैं उस खाने में जिसको कि वो हैंडल कर रहे हैं। वो खाना जब खाने वाला खाएगा तो वो चीज़ फिर उसके मैदे में पहुँचेगी, मैदे में फिर वो एक ख़ास किस्म का रिएक्शन शुरू होता है, जो कि एक तरह का जिस्म का मुदाफ़ियती निज़ाम है। जिस्म उसकी मुदाफ़त करता है उस जरासीम की, और उस मुदाफ़त के नतीजे में जो सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं, वो फिर मरीज़ उनको कहता है कि जी मुझे फूड पॉइजनिंग हो गई, जिसमें कि उल्टी का आना है, बुखार होना है, शदीद सर में दर्द का होना है, डायरिया हो जाता है उसमें बहुत सीवियर केसेस में, और कभी कभी उसमें यह है कि हॉस्पिटलाइजेशन की भी, यानी कि अस्पताल में दाखिले की भी ज़रूरत पड़ जाती है मरीज़ को। इसी तरीके से जो टॉक्सिक मटेरियल, जैसे मैंने अर्ज़ किया पहले, कि जो पेस्टिसाइड्स हैं, यानी कि जो जरासीम कुश अद्वियात हैं,
और जो मशरूम्स हैं जो हमारे यहाँ खानों में इस्तेमाल होते हैं वो भी अगर प्रॉपरली कुक्ड ना हो, सही तरीके से अगर पकाए ना गए हों, तो वो भी जिस्म में इस किस्म की बीमारी का बायस बन सकते हैं। यानी हमने आपके इस तमाम तर गुफ्तगु से ये नतीजा अक्स किया कि पकाने वाला अस खुद बहुत सफाई का पाबंद हो और जो चीज़ पकाई जा रही है उसको सही तरह साफ़ कर लिया जाए तो इस मसले से रुका जा सकता है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है डॉक्टर साहब कि खाना सबने खाया, लेकिन घर में किसी एक आदमी को फूड पॉइजनिंग हो गई, ऐसा क्यों होता है? उस तरह तो फिर आप कह सकते हैं कि हम चार आदमी बैठे हुए हैं, हम चारों को किसी एक को शुगर हो सकती है, बकिया तीन को क्यों नहीं है? तो ये जो सिलेक्शन है ये कुदरत के हाथ में है, ठीक है ना। कुछ लोग होते हैं जो ससेप्टेबल होते हैं, यानी कि जो उर्दू में क्या कहेंगे कि जो ज़्यादा माइल होते हैं इस तरफ, जिनका जिस्म जो है उसका मुदाफ़ती निज़ाम इतना अच्छा नहीं होता कि उस जरासीम के ख़िलाफ़ मज़ाहमत कर सकें, तो वो बेचारे जल्दी पकड़ में आ जाते हैं, उनको जल्दी ये बीमारी हो जाती है। जैसे बच्चे हैं, जैसे बूढ़े हैं, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज होता है थोड़ा सा, या कम होता है नस्बता, मुदाफ़ती निज़ाम अभी डेवलप्ड नहीं होता बच्चों में, तो इसलिए वो ज़्यादा इसकी पकड़ में आ जाते हैं। फिर अगर खाना सही तरह किस तरीके से स्टोर नहीं किया गया, जैसे अमूमन हमारे यहाँ आजकल रिवाज है फ्रिज में खाना बना हुआ है रख देते हैं, दो दो दिन के बाद उसको खा लेते हैं, लाइट चली गई है, फ्रिज का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, तो फिर उसमें कुछ जरासीम पैदा हो जाते हैं, वो गज़ा खाने से फिर वही अलामत ज़ाहिर होती हैं मरीज़ पर। तो डॉक्टर साहब अगर फ़र्ज़ कीजिए किसी को फूड पॉइजनिंग हो भी गई तो जैसे आपने बताया बुखार हो जाएगा, उल्टियाँ हो जाएंगी, लेकिन क्या फूड पॉइजनिंग बहुत ख़तरनाक हद तक भी जा सकती है? वो डिपेंड करता है कि जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो जरासीम है या जो कॉज है उसका, जो वजह है वो क्या है। कुछ जरासीम ऐसे होते हैं जैसे बॉटुलिन है, बॉटुलिनिज्म जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ख़तरनाक हो सकता है। ई कोलाई से हो जाती है, ई कोलाई से जो है डायरिया इतना शदीद होता है कि उसमें मरीज़ की बजाय इसके कि वो एक आध दिन में ही वो मरीज़ की डेथ हो सकती है अगर प्रॉपरली उसको ट्रीट ना किया जाए तो। पेट में शदीद मरोड़ का उठना, पेट में बहुत दर्द का होना, कह मतली डायरिया, तो ऐसी अलामत जब भी ज़ाहिर हों कुछ खाने के बाद, तो मरीज़ को चाहिए कि फौरन किसी डॉक्टर से या किसी अस्पताल से रजू करें। डॉक्टर साहब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, सिर्फ मेडिकल से हो जाएगी या एहतियात भी करना पड़ेगा? शुरू में तो ये है कि अगर मरीज़ घर पर ही है, जाहिर है शुरू में तो एकदम से अस्पताल नहीं जाते, लोग उसको आम डायरिया समझते हैं या उल्टी उल्टी समझते हैं, तो सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि जो वॉल्यूम लॉस हो रहा है, यानी कि उल्टी बहुत ज़्यादा है, अगर डायरिया बहुत ज़्यादा है, तो वॉल्यूम लॉस को रिड्यूस किया जाए, यानी कि पानी खूब पिया जाए, जिसमें ORS भी शामिल है, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे हम कहते हैं, जो डायरिया में दिया जाता है, तो उसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, बुखार है तो बुखार की दवा दे दी जाए इस तरीके से, और फिर अगर ये चीज़ बढ़ती है तो फिर फौरन रजू किया जाए मेडिकल हेल्प के लिए। जब किसी इंसान को फूड पॉइजनिंग हो गई तो पहली एहतियात तो ये की जाती है कि ग़ज़ा ही छोड़ दी जाती है कि जनाब इसी से मुझे बीमारी हुई थी, एक डॉक्टर के नुक्ते नज़र से क्या उस वक्त ग़ज़ा हल्की फुल्की लेना चाहिए? उस वक्त अमूमन ये हो रहा होता है कि पेट में चूँकि बड़े क्रैम्प्स पड़ रहे होते हैं, तो मरीज़ इस कंडीशन उल्टी आ रही होती है, तो अमूमन मरीज़ इस कंडीशन में नहीं होता कि कुछ खा सके आमतौर पर, तो वो अवॉइड करते हैं लोग, लेकिन जो सॉफ़्ट डाइट है वो लेनी चाहिए उसमें भी, ताकि थोड़ी सी जो एनर्जी है आपकी वो बरकरार रहे, आप थोड़ा सा अपने जिस्म को सस्टेन कर सकें, बीमारी के ख़िलाफ़ सस्टेन कर सकें, ये ज़रूरी है। यानी हम ये कह सकते हैं कि फूड पॉइजनिंग या ये बीमारी जो है वो हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं उनको अगर मद्देनज़र ना रखा जाए तो होती है, अगर वो मद्देनज़र रख लिए जाएँ तो मुमकिन है कि हम इससे बच सकें। लेकिन डॉक्टर साहब मैं चाहूँगा कि आप एक डॉक्टर के नुक्ते नज़र से, और इस हवाले से लोग आपके पास आते ही होंगे, काइंडली आप हमें कोई एडवाइस देना चाहें तो ज़रूर दीजिए। इसमें एडवाइस का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो एक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सफाई नस्फ ईमान है, अगर हम सिर्फ इसी पर अमल कर लें तो मज़ीद किसी उसूल की पे कारबंद रहने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर सिर्फ सफाई का ही ख्याल रखें तो न सिर्फ ये कि ज़हर खुरानी से बल्कि और बहुत सारी चीज़ों से, बीमारियों से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब उमन देखा यह गया है कि लोग जो बाहर खाना खाते हैं वहाँ पे इतना हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों का पाबंद नहीं होते लोग, तो वहाँ पे ये बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और हमने देखा कि लोग ना सिर्फ खुद जाते हैं बल्कि बच्चों को भी लेके जा रहे होते हैं, तो क्या अगर किसी शख्स में या ख़ास तौर से बच्चों में जिनमें आपने कहा कि रेजिस्टेंस पावर लो होता है, अगर बार बार फूड पॉइजनिंग हो रही है तो क्या मजमू तौर पर उसके जिस्म के ऊपर कोई बहुत दूरस्थ असरात हो सकते हैं उसके? ऐसा सच नहीं, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि बार बार उसको सिर्फ फूड पॉइजनिंग ही हो रही हो। अमूमन अगर एक आध दफ़ा ऐसा हो जाता है तो वालदैन या जो बड़े हैं वो अवॉइड करते हैं, फिर अमल तो ऐसी जगह जाने से परहेज़ करते हैं, वो दूसरा बाहर के खाने वो खुद ही बंद कर देते हैं, एक प्रिकॉशन के तौर पर वो यही करते हैं, लेकिन बार बार फूड पॉइजनिंग अमूमन नहीं होती है। इट्स अ वेरी रेयर फिनोमेना कि बार बार आपको वही चीज़ हो, स्पेशली बच्चों में। अगर हो रही है तो फिर वी शुड लुक इन टू द कॉज कि वो बच्चा
खाता क्या है, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या हैं, कहाँ जाता है, कहाँ से खाता है। बहुत सारे बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो फिर पेरेंट्स को चाहिए कि उसको चेक करें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि मुतवातर खा रहा है जिसकी वजह से ऐसी गड़बड़ हो रही है। साहब, एक ऐसी राय है जो लोगों ने कायम की, एज ए डॉक्टर मैं भी जानता हूँ कि वो राय दुरुस्त नहीं है, लेकिन एक सीनियर के नाते मैं आपसे चाहूँगा कि आप हमें बताएं। लोगों का ख्याल होता है कि जी सब कुछ इसलिए खा लेना चाहिए कि मैदा उसका आदी हो जाता है, ये जो एहतियातें की जाती हैं खाने पीने में ये असल में मैदे को कमज़ोर कर देती हैं, तो अगर कहीं पे कुछ गड़बड़ हो गई तो फिक्र की बात नहीं, चीज़ें खाई जाएँ, मैदा खुद ब खुद आदी हो जाएगा। क्या ऐसा होता है कि इंसानों की तरह मैदा भी आदत पर यकसू हो जाए? नहीं, मेरा ख्याल है ये एक मिथ है, सीना पसीना चलने वाली ये गलत स्टोरी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इंसान कम खा के तो ज़िंदा रह सकता है, ज़्यादा खाने से वो बीमार ज़्यादा हो सकता है। तो ये तासुर गलत है कि आप जो मर्ज़ी खाएं, जैसा मर्ज़ी खाएं, मैदा आपका उसको कबूल करेगा, तो उसमें ऐसा इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मुफीद बातें आपने हमें बताई, इंशाल्लाह हम भी इस पर अमल करेंगे और अपने नाज़रीन से भी चाहेंगे कि ये भी अमल करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। खुवातीन हज़रात, हमने यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद हम आपके पास फिर वापस आएंगे, लेकिन जो मुफीद बातें हुई उन पर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह इन पर अमल करके आप ना सिर्फ खुद अपने आप को सेहतमंद रख सकते हैं बल्कि अपने घर को भी बहुत सी मुसीबतों से बचा सकते हैं।